अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टेंट चावल की खीर की रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी है, तो फिर चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसकी रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून चावल, रेगुलर नॉर्मल राइस लिए हैं मैंने, और थोड़े से मैंने काजू जो है सोख करके रखे हैं हाफ एन आवर के लिए। सो सोख किए हुए मैं इसमें चावल ऐड करूँगी एक मिक्सर जार में, अराउंड 2 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून मैं ऐसे ही रखूँगी, और जो काजू हमने सोख किया था वो भी मैं इसमें ऐड करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाऊँगी। तो पेस्ट रेडी है, इसे हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध जो है बॉईल करने के लिए रख दिया है, तो इसे हम अच्छे से बॉईल करेंगे अच्छे से स्टर करते हुए। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं दूध जो है अच्छे से बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। तो जब भी दूध बॉईल होना स्टार्ट हो के जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे चावल जो हमने अलग से रखे थे, जो हमने ग्राइंड नहीं किए थे, और इसे हम दूध के साथ अच्छे से पकाएंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चावल पकने के लिए आपको एटलीस्ट 10 से 15 मिनट लगेंगे यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं इलायची 4 से 5। इलायची का पाउडर मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि पाउडर ऐड करने से इसके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक जो इलायची का पाउडर है वो नज़र आता है, तो इसीलिए मैंने होल इलायची ऐड की है। और थोड़े से केसर मैंने इसमें ऐड किए हैं अराउंड 1 पिंच। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से पका लेंगे। अभी आप यहाँ देख सकते हैं चावल जो है हल्का हल्का पकना स्टार्ट हो गए हैं, ये ऊपर नज़र आ रहे हैं। और 5 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो चावल जो है अभी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो मैं इसमें ऐड करूँगी काजू और चावल का पेस्ट जो हमने बनाया था, और इसे भी ऐड करके हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे जब तक ये अच्छे से थिक हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं ये अच्छे से थिक हो चुकी है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, अराउंड 1/2 कप चीनी ऐड की है मैंने। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कीजिए, और इसे मिक्स करके अच्छे से पकाइए 2 से 3 मिनट के लिए। फिर मैंने यहाँ पे चॉप किए हुए काजू और बादाम इसमें ऐड किए हैं। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और 2 मिनट के बाद पकाने के बाद हम फ्लेम जो है ऑफ़ कर लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं खीर जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए या आप इसे ठंडा ठंडा फ्रिज में रखकर सर्व कीजिए। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।